प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा, कलमा तौहीद, ये भी तभी नफा देता है जब इसके हुकूक का ख्याल रखा जाए। या रसूलल्लाह इसके हुकूक हैं क्या? फरमा अल्लाह की नाफरमानी हो उसे रोका जाए, और इसके हुकूक का ज़िया क्या है? इस कलमे की नकदरी क्या है? अल्लाह का हुक्म टूटे और उसको बदलने की कोई फिक्र ना हो। अल्लाह की नाफरमानी है और इसे परवाही कोई नहीं। यह भी एक फरीजा है। अल्लाह की अजमत, अल्लाह का ताल्लुक इतना कमजोर हो गया कि उसके हक में जो कोताही हो जाए ठंडे सांसों बर्दाश्त करता है, कोई तकलीफ नहीं होती। मेरे अजीजों, जब घर में अल्लाह के अजमत का ख्याल नहीं होता तो उसकी सजा क्या आती? अल्लाह दिलों में एक दूसरे की अजमत और एहतराम दिलों से निकाल देता है।